हाथ के साथ गठबंधन की साइकिल के बाद अखिलेश यादव की खुशी परवान नहीं चढ़ पाई थी कि उसी शाम मुखिया मुलायम सिंह जो संरक्षक हैं गठबंधन को लेकर कठोर एक बयान उनका आता है। इधर चाचा के इरादों ने फिर किसी संग्राम की सुगाहट को हवा दी है क्योंकि चाचा को है 11 मार्च का इंतजार। हालांकि चाचा ने एक पत्ता लिखकर तुरुप का इक्का नहीं खोला है। दरअसल शिवपाल सिंह यादव ने एक के बाद एक कई बार करते हुए कहा कि मुझे टिकट देने के लिए मेहरबानी, अब तुम सरकार बनाओ मैं पार्टी बनाऊंगा। यानी पार्टी नई बनाए या पुरानी, लेकिन इतना तय है कि चलेंगे अखिलेश यादव से अलग। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर आने वाले उस तूफान की आहट को समझने की थोड़ा कोशिश कीजिए, फिर होगी चर्चा। इस समझौते की जो किया है समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस ने चुनावी समझौता, मैं पूरी तरह खिलाफ हूं, मैं प्रचार नहीं करूंगा। सरकार बना लो, हम पार्टी बनाएंगे 11 मार्च के बाद। सर्द मौसम के बीच सफाई कुंडे में एक बार फिर सियासी तापमान गर्माया हुआ है और इसकी तपिस बढ़ी है चाचा शिवपाल यादव की चिंगारी में। और कहीं ऐसा ना हो कि शायद चुनाव के बाद ये चिंगारी शोलों का सबब न बन जाए। मेहरबानी हो गई है, टिकट भी दे दिया है मुझे, ए फार्म बी फार्म भी दे दिया है, कृपा हो गई, नहीं तो हो सकता था निर्दलीय लड़ना पड़ता। निर्दलीय लड़ना हम तो तैयार थे। अब जानते हैं कि हमारा कद छोटा जानबूझ करके किया जा रहा है, जानबूझ करके हमारा कद छोटा किया जा रहा है। ये दर्द शिवपाल है जो नामांकन के बाद समर्थकों की महफिल में सरेआम हो गया। अपने कद और किरदार की कहानी बयां करते करते चाचा शिवपाल का हर एक शब्द भतीजे अखिलेश पर वार कर रहा था। नेताजी में समर्पण के साथ कह दिया कि साजिशें तो अपनों ने की हैं। कहा तो है, कई लोगों ने कहा है कि हम नेताजी की वजह से, लेकिन उन्हीं लोगों ने आज आपके सामने है नेताजी को अपमानित करने का काम उन्हीं लोगों ने किया, उन्हीं लोगों ने। केवल इसलिए तो टिकट काटा गया है कि शिवपाल सिंह यादव कैसे कमजोर। चुनाव की तारीखों के बाद पहली बार तेवर में दिखे चाचा शिवपाल। तंज की शैली थी लेकिन गंभीर बोली थी। अपनी अगली चाल से पहले चाचा ने मोहरा दिखा दिया कि तुम सरकार बनाओ हम पार्टी बनाएंगे, शुभ मुहूर्त 11 मार्च के बाद निकले। और आप देख लेना 11 मार्च का रिजल्ट, और 11 मार्च रिजल्ट आने के बाद मैंने कहा तुम जिता लो, सरकार बना लो, हम पार्टी बनाएंगे 11 मार्च के बाद। 11 मार्च के बाद पार्टी बनाएंगे। बहरहाल ये मुलायम सिंह के गठबंधन पर नाराजगी के बाद का विस्तार है जो शिवपाल यादव के शब्दों में शोर कर रहा है। सवाल ये है कि क्या सफाई कुंभ में अभी लड़ाई बाकी है। रिपोर्ट के साथ साजिद अली, के न्यूज। और शिवपाल सिंह यादव के बयानों से तो यही लगता है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये लड़ाई अभी, ये रार अभी, ये तकरार अभी बाकी है, बस इंतजार करना है क्योंकि वोटिंग होनी है। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि 11 मार्च तक का समय, सरकार बन जाएगी तो एक नई पार्टी वो बनाएंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय उनसे आपको करा रहे हैं। के पांडे हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, दिलीप श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से, अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे प्रधान संपादक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और एक मेहमान कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से केसी जैन साहब। सबसे पहले अमिताभ जी के पास चल रहे हैं। अमिताभ जी, समझना और जानना, जिस तूफान हम सोच रहे थे कि आकर चला गया, अब सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे फिर से उठ रहा है, वो चक्रवाती तूफान,
पहले मुलायम सिंह यादव गठबंधन को लेकर बयान देते हैं, फिर उसके बाद शिवपाल सिंह यादव मंच से आज बहुत कुछ कह जाते हैं जिसे समझना होगा थोड़ा सा आपके नजरिए से, आपके जरिए। पंकज, आप कह रहे थे कि इस तूफान का मतलब समझना होगा। इस तूफान का मतलब तो ना अखिलेश जी समझ पा रहे हैं, ना नेताजी खुद समझ पा रहे हैं, ना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और उम्मीदवार समझ पा रहे हैं। इतना अनिश्चय कभी नहीं रहा। समाजवादी पार्टी के जन्म से लेके आज तक जितने अनिश्चय में ये पार्टी आज है उतनी कभी नहीं रही। अजब मंजर है, अजब मंजर। चुनाव सिर पर और तकरार चरम पर, ये परिस्थितियां हैं। मुलायम सिंह जी दैनिक आधार पर बदल रहे हैं। वो सुबह कुछ कह देते हैं, शाम को कुछ कह देते हैं, अगली सुबह उससे बिल्कुल इतर बात कह रहे हैं। शिवपाल जी का रुख जरूर कंसिस्टेंट है, उनका तेवर शुरू से तीखा है। अखिलेश जी का जो शिविर है उसने एक लाइन ले ली कि भाई मुझे जनता में जाना है, मुझे चुनाव लड़ना है, आपको जो कहना है कहते रहो, चुनाव बाद बात करेंगे। लेकिन आज शिवपाल यादव ने एक महत्वपूर्ण बात कही जो अभी तक नहीं आई थी कि 11 मार्च के बाद पार्टी बनाऊंगा। केसी जैन साहब भी आ गए, हमारे पुराने दोस्त हैं जी। और मजे की बात यह है, इसमें पेच जमीन पर है, जिलों जिलों में पेच है। कई जगह मैंने ऐसे लोग देखे उत्तर प्रदेश में जो मुलायम सिंह जी के भरोसे के रहे दशकों तक, वो लोग बसपा के उम्मीदवार को भी सपोर्ट करने में निकल गए, निर्दलीय के या खुद निर्दलीय लड़ रहे हैं। यानी उनका लक्ष्य एक है कि भाई अखिलेश यादव के कैंडिडेट्स को हराओ। लोक दल के अध्यक्ष हैं सुनील सिंह, वो एक अलग धारा है इस लड़ाई में, वो भी धारा है। कहने को तो वो बाहरी है लेकिन वो भी धारा है। वो कह रहे हैं कि भाई नेताजी और शिवपाल जी अपने हर वफादार के लिए प्रचार में निकलेंगे, चाहे वो किसी पार्टी से लड़ रहा हो जी। ये एक और विचित्र स्थिति है। तो ऐसी परिस्थिति बन गई जैसी समाजवादी पार्टी के जीवन काल से आज तक कभी नहीं रही थी। एक दूसरे को हराने के लिए सन्नद्ध, जीतने की लड़ाई नहीं हो रही, हराने की लड़ाई हो रही है समाजवादी पार्टी के भीतर। जैन साहब कभी सोचा था कि ऐसे दिन भी आएंगे? एटा में, इटावा में, फरुखाबाद में, मैनपुरी में, जो आपका गढ़ है, मुझे एक विधानसभा सीट बता दो जहां रार नहीं फैली हो जी। नहीं, सही बात है अमिताभ जी। देखिए, माननीय शिवपाल जी के इस बयान के बाद कि 11 मार्च के बाद मैं पार्टी का गठन करूंगा और माननीय अखिलेश यादव जी को एक चुनौती, मन से खुली चुनौती कि पार्टी आप सरकार बनाकर दिखाएं, तो ये बड़ी चुनौती है। इसको हम लोग स्वीकार करते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। अब वो इसको चाहे चुनौती घर के लोग दें चाहे बाहर के लोग दें, चुनौती तो है ही हमारे सामने और इस चुनौती को हम लोग स्वीकार करते हैं। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है ये एक बड़ी ताकत बनकर के उत्तर प्रदेश में उभरा है और हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं और इसमें चाहे जो आने आगे चाहे जैसी चुनौतियां आ रही है। अब वो सारे तीसरे चरण के भी नामांकन आज आखिरी दिन हो गया जी। जी अमिताभ जी, नेताजी कह रहे हैं कांग्रेस खा जाएगी समाजवादी पार्टी को, ये सवाल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कोई कहे कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को खा जाएगी या कांग्रेस समाजवादी पार्टी को खा जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम
पूरी की पूरी 430 सीटों पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही, पूरी 430 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही, जहां पे जो प्रत्याशी है पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहा है। जैन साहब ठीक है, और के पांडे ठीक है, जैन साहब ठीक है, के पांडे जी, मैंने ऐसा अलायंस नहीं देखा। 30 साल हो गए मुझे पत्रकारिता करते हुए, मैंने ऐसा विचित्र अलायंस नहीं देखा। अधिकांश सीटों पर कांग्रेस और सपा के लोग दोनों नॉमिनेशन किए हुए हैं और दोनों ताल ठोक रहे हैं कैमरा के सामने कि हटूंगा नहीं। एक कह रहे हमको राहुल जी ने बोला लड़ो, दूसरा कह रहा हमको अखिलेश जी ने बोला लड़ो। आपने गठबंधन किया था तो ये नहीं सोचा था कि हर सीट पर रार होगी, एक कंबाइंड लिस्ट बन जाती पहले से बैठ के। गाजीपुर से गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक बवाल हो रहा है हमारी सीटों पर। पांडे जी, हमारी सीटों पर जी अवतार जी, हमारी सीटों पर कोई रार नहीं है। पहली बात, जो लोग कह रहे हैं कि हमें सिंबल मिला, हमें सिंबल मिला, जिसको समाजवादी पार्टी के सिंबल से अगर किसी ने दाखिल किया, किसी ने कांग्रेस पार्टी के सिंबल से अगर दाखिल किया, नॉमिनेशन फाइल किया, और यह हाईकमान द्वारा यह लिस्ट भेजी जाती है चुनाव आयोग को या जो निर्वाचन अधिकारी होता है कि फला फला क्षेत्र से मेरे उम्मीदवार है, उस जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी को, और ऐसी स्थिति में अगर दूसरा उम्मीदवार नॉमिनेशन नहीं वापस करता है तो उसका पर्चा अपने आप अवैध मान लिया जाता है, पहले की तरह वह निर्दल भी नहीं रह जाता है। जैसे आज लखनऊ में रविदास मेहरोत्रा का भी मामला था, हमारे मारूफ रजा साहब भी भरे हैं पर्चा। अरे तो पांडे जी तो चुनाव हराने में लग जाएगा समाजवादी पार्टी। जहां आप बैठे हो, सुन लो, जहां आप बैठे हो उसी शहर में रविदास मेहरोत्रा और कांग्रेस का उम्मीदवार आमने सामने है। जी जी अजी, कहीं वह चुनाव हराने में कोई नहीं लग पाएगा। जिस तरह से अखिलेश यादव राहुल गांधी की हवा चल चुकी है, 29 तारीख के रोड शो में सारे विरोधी पस्त हो चुके हैं, और जो हराने का प्रयास करेगा वह खुद समाप्त हो जाएगा, एक किनारे हो जाएगा। मैं बड़े दावे और विश्वास के साथ आपसे कहना चाह रहा हूं। अरे पांडे जी, हाइपोथेटिकल बातें नहीं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी बूथ पर नहीं खड़े होंगे ना? अखिलेश यादव और राहुल गांधी तो बूथ पर नहीं खड़े होंगे। अखिलेश, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का हर नौजवान जो बूथ पे खड़ा होता है वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव होगा। बहुत साफ कह रहा हूं, हर नौजवान की निष्ठा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव में लगी हुई है, कांग्रेस राहुल गांधी में लगी हुई है। इसलिए के साथ एक चीज बड़ी विपत्ता, ठीक है दिलीप, ठीक है पांडे जी, अच्छी बात है। दिलीप श्रीवास्तव भाई, मैंने तो ऐसा कंफ्यूजन, ऐसा बवाल किसी गठबंधन में नहीं देखा आज तक, इतने गठबंधन देख लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने समाजवादी पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया, एक तरफ इन्होंने 27 साल यूपी बिहार का नारा दिया, मैं एक एक बिंदु पे आ रहा हूं आपके पास, फिर उसके साथ इन्होंने क्लीन चिट देते हुए उसे गठबंधन कर रहे हैं, मिशन किया भारतीय जनता पार्टी को रोकना। लेकिन जहां मुख्यमंत्री के चाचा ने, जो कि वरिष्ठ राजनेता हैं, उनके नकारात्मक पक्ष की ना बात की जाए तो कई बार मंत्री रहे, समाजवादी पार्टी के संगठन का भी उन्हें अच्छा अनुभव है, उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन जनता ने अस्वीकृत कर लिया है, इनकी सरकार नहीं बनने वाली है। अभी केसी जैन जी भी इसे स्वीकार रहे थे कि वो चुनौती दी गई है और उनको स्वीकार कर लिया नॉमिनेशन करने के बाद। बात हो गई है, बस अपनी बात रख लूं। इसकी इसी तरह इनके पिता ने साफ साफ कह दिया गठबंधन के बारे में भी, तो इतना कंफ्यूजन जैसा आपने बताया, इस परिदृश्य में राजनीति में उत्तर प्रदेश में दोनों ही दल कंफ्यूज हैं और ना इनके पास कोई विजन है ना कोई कार्य करने का दृष्टि है।
और इन्होंने जो विकास का दम भरते हैं अकेले, तो अकेले 403 विधानसभा सीटों पर उतरना चाहिए। एक तरफ जनता ये भी देख रही है कि जो अपने पिता का नहीं हुआ, चाचा का नहीं हुआ या चाचा भतीजे का नहीं हुआ, पिता पुत्र का धर्म का पालन नहीं किया, वो जनता के प्रति अपने धर्म और कर्तव्य का कैसे पालन करेगा। उत्तर प्रदेश की जनता इन दोनों गठबंधन को नकार चुकी है और आज शिवपाल जी भी इस बात को कह चुके हैं। अभी लड़ाई बाकी है, शिवपाल सिंह यादव के बयान के बाद और ये लड़ाई बाकी है ये लगता है। और इधर कंफ्यूजन है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर, कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर, कार्यकर्ता भी कंफ्यूज है। अगर आने वाले समय में जिस दिन बटन दबाना है जनता कंफ्यूज हो गई तो फिर क्या होगा। सीधे चल रहे पैनल के पास अमिताभ अग्निहोत्री जी के पास हमारे प्रधान संपादक हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ जी, कंफ्यूजन तो पैदा हो ही गया और अब वो बटन दबाने के दिन नजदीक आ रहे हैं, अगर जनता उस दिन कंफ्यूज हो गई तो क्या कुछ होगा? पंकज जी, कंफ्यूजन नहीं, दिस इज कॉल्ड अटर कंफ्यूजन। ये भीषण कंफ्यूजन है मित्र जी। जेम्स, आप एक बात बताओ, आप पुराने नेता हैं, समाजवादी पार्टी की रीतनीत जानते हैं, कांग्रेस को भी जानते हैं। 105 सीट कांग्रेस लड़ रही है, वहां 525 आपके पहलवान पहले से मौजूद थे 105 पे, ठीक। अखिलेश जी कहे, कोई जी कहे, वो सक्रिय होने को तैयार नहीं कांग्रेस के पक्ष में। अखिलेश जी जाएंगे तो वो उस दिन दिख जाएंगे, शकल दिखा देंगे, अन्यथा जिलों में सक्रिय नहीं हो रहे। कांग्रेस के पास अपना संगठन बचा नहीं यूपी में, जिलों में कैसे वोट पड़ेगा, कैसे प्रचार होगा गांव गांव गली गली। जैन साहब, नहीं देखिए अमिताभ जी, जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है तो समाजवादी पार्टी पहले पूरी की पूरी 403 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस भी 430 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी। तो ये कहना कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है, वो कैसे लड़ेंगे या समाजवादी पार्टी कैसे लड़ेगी, ये तो उनकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन गठबंधन के बाद में जो एक दूसरे के प्रति समर्पण है और जो एक दूसरे का साथ है, तो हमें नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोग कांग्रेस के साथी जो हमारे जहां पे लड़ेंगे तो कांग्रेस सपा का वोट जाएगा कहां। जब माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने अपील की है कि गठबंधन है और आप लोगों को सहयोग करना है, वही हाल कांग्रेस का भी है, वही हाल समाजवादी पार्टी का भी है, तो कांग्रेस का वोट कहां जाएगा जब उनके लोग नहीं लड़ रहे हैं, और जब हमारे लोग नहीं लड़ रहे हैं तो हमारा वोट कहां पे जाएगा। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस का वोट है वो मिल करके ठीक है, आप कांग्रेस का प्रत्याशी उसको जिताने का काम करेंगे। पांडे जी एक जहां पर समाजवादी पार्टी कैंडिडेट है वहां समाजवादी पार्टी अब मैं आपसे एक एग्जाम्पल दू, मुलायम सिंह यादव ने कहा कि 105 सीटों पर सपा के नेता निर्दलीय पर्चा भरे और लड़े, क्या इससे कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उसकी संभावनाओं पर कुछ निगेटिव असर पड़ेगा? पांडे जी, अग्निहोत्री जी, कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं उससे हमने समझौता किया है। मुलायम सिंह यादव जी आदरणीय हैं, बड़े नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, कांग्रेस पार्टी उनकी इज्जत करती है। और ये कहना कि नहीं कांग्रेस के विरोध में ही हमने समाजवादी पार्टी का गठन किया, तो जहां तक आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आप हमसे बहुत ज्यादा जान रहे हैं कि बीपी सिंह चंद्रशेखर जी से अलग होकर किस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया, कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं थी। और 89 में अगर वो चीफ मिनिस्टर बने तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सहयोग था। तो मुझे ये लगता है कि मुलायम सिंह जी यह बात अपने मन से नहीं, या तो उम्र का तकाजा होता है व्यक्ति का, ज्यादा उम्र के कहते कुछ वो बोल जाते हैं, और ऐसा 3-4 महीनों में देखने को मिला है कि सुबह उन्होंने कुछ कहा है, शाम को कुछ कहे हैं। अभी इकोनॉमिक टाइम्स को उन्होंने बयान दिया था प्लेन में दिल्ली जा रहे थे कि प्रियंका गांधी बहुत अच्छी लड़की है और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बेहतर है। और कल का 29 तारीख का राहुल जी और अखिलेश जी का रोड शो और उमड़ा हुआ जनमानस,
और कई टीवी चैनलों के सर्वे की रिपोर्ट जिसमें हमारी गठबंधन सरकार बना रही है, मुझे लगता है एक बार फिर कुछ बाहरी तत्वों द्वारा मुलायम सिंह जी को कहीं न कहीं, हालांकि बड़े नेता है, भ्रमित नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। और अखिलेश यादव जी जिस समय जिस क्षण उनसे मिलेंगे, उसी क्षण अखिलेश यादव से पहले श्री मुलायम सिंह जी आगे बढ़ के इस गठबंधन के प्रचार में उतर पड़ेंगे, ये मेरा विश्वास है। चलिए देखिए, तो भविष्य की बात है, पांडित जी देखेंगे। दिलीप श्रीवास्तव, दिलीप श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी के भीतर संघर्ष, मेरे सवाल को सुनिएगा, एक तो पार्टी के भीतर संघर्ष, स्ट्रगल विद इन द पार्टी, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव, ये जो एंगल है एक, और दूसरा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स का जमीन पर केमिस्ट्री मैच करने में प्रॉब्लम जो आ रही है वो, क्या इन दोनों चीजों से भारतीय जनता पार्टी को अपने लिए कुछ बेहतरी की संभावनाएं दिख रही हैं? देखिए, अभी आपने शिवपाल जी का बयान बताया, शिवपाल जी ने स्वीकार कर लिया कि इन दोनों का गठबंधन, कांग्रेस और सपा का गठबंधन, जनता नकार चुकी है और वो सत्ता में नहीं आ रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने आगे कहा मैं पार्टी बनाऊंगा। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि ये गठबंधन जनता अस्वीकृत कर चुकी है। जो इनका आंतरिक मामला है, पहले एक परिवार की स्थापना हुई, परिवार में सत्ता को भागीदारी बनाया गया, सारे लोग अध्यक्ष से लेकर लंबा एक परिवार, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा परिवार होगा जिसमें राजनेताओं और तमाम मंत्री पदों की जो है बंदरबांट की गई, उसमें जो सत्ता की लोलुपता और स्वार्थ की राजनीति और धन के जो जनता से लूटा गया धन है उसके बंदरबांट की इनकी आपस की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनके काफी दिनों से इस लड़ाई का काफी मनोरंजन भी किया और समझ भी लिया कि उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा देने का कार्य अखिलेश सरकार ने किया। अगर इन्होंने कोई अच्छा कार्य किया हो तो उस कार्य के बदौलत जनता के बीच में जाएं, लेकिन आज इनकी नाकामियों और इनकी जो इन्होंने जो कानून व्यवस्था यहां का मामला है, मूल मुद्दा कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार जो मूल मुद्दा है, उससे ध्यान हटाने के लिए इनकी ये लड़ाई लगातार चली जा रही है। और कभी लोहिया जी ने हमेशा गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था, गैर कांग्रेसवाद की बात की थी, आज के लोहिया जी के आदर्श पार्टी है क्या? आपके दोनों शिविर, यानी मुलायम सिंह जी का खेमा और अखिलेश जी का खेमा, दोनों ये आरोप लगाते रहे एक दूसरे पर कि भाजपा के हाथ में खेल रहा है। ये अखिलेश जी का खेमा बताता रहा कि शिवपाल और मुलायम सिंह जी भाजपा के हाथ में खेल रहे, और शिवपाल जी का खेमा बताता रहा कि अखिलेश जी का खेमा रामगोपाल यादव भाजपा के हाथ में खेल रहे। क्या आपको लगता है कि अब जो राम नई पैदा हुई है, नई पार्टी वाली, इसके पीछे भाजपा भी है? और इसीलिए इनका मिशन रहता है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने का कार्य करने के लिए वो एकजुट हो और इसके नाम पे वोट बैंक का ध्रुवीकरण। मौका दे तो मैं बोलूं। ठीक है, बोलिए। अच्छा, प्रश्न आपसे था। जी जी, देखिए देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारे बार बार आरोप हर डिबेट में जब बैठते थे एक बात जरूर कहते हैं कि तबाही का बंदर बात कर रहे हैं ये लोग, लड़ाई कर रहे हैं उस लोग। चलिए ठीक है, हम एक बार मान भी ले इनके झूठे आरोपों को कि समाजवादी पार्टी में इसने लड़ाई है, लेकिन इनके वहां जब टिकट का बंटवारा होगा, इनके वहां किस चीज की लड़ाई है? क्यों पुतले फूके जा रहे हैं? पुलिस अध्यक्ष का पुतला फूका जा रहा है, कार्यालय तोड़ा जा रहा है, चाहे उत्तराखंड में हो चाहे उत्तर प्रदेश में। स्वामी प्रसाद मौर्य का अभी इस्तीफा दे दिया, आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। तो ये इनके वहां जो ये कैसे लोग अपनी बात सुन लीजिए, ये कैसा लोकतंत्र है? सुन लीजिए दिलीप जी, करिए, मैं बहुत सुन रहा हूँ आपकी बात, पूरी तरह से सुन रहा हूँ, सुन लीजिए। तो ये इनके वहाँ लोकतंत्र जो है टिकट कटा, फिर लोकतंत्र और देशभक्ति सामने आ जाती है, कितनी देशभक्ति है, कितनी पार्टी के प्रतिष्ठा है, पार्टी के लोग इतनी ज्यादा देशभक्ति रखते हैं, जो देशभक्ति नोटबंदी पे भी उनको देशभक्ति दिखाई देती है, नोटबंदी में 100 से ज्यादा मौतें हो जाती है, वो भी बेचारे सब देशभक्त है जो नोटबंदी के नाम पे मर गए,
और उस पर अगर माननीय अखिलेश यादव जी दो दो लाख रुपए का मुआवजा देते हैं तब भी इन्हें तकलीफ होती है कि ये सरकारी घर आप बर्बाद कर रहे हैं। अरे मर गया तो मर जाने दीजिए, आप पैसा क्यों बांट रहे हैं उनके घर वालों को? ये इस तरीके की ये इनकी देशभक्ति है। तो इनकी देशभक्ति इनके वहां किस चीज का बंदरबाट है जो पुतले फूके जा रहे हैं सद्य जी के जी। और जो आरोप का दौर चलता रहेगा वार भी करते रहेंगे जैसे आपका बयान हो। आज एक आज एक रैली भी हुई थी, उस रैली में कुर्सियां भी टूटी हैं, कार्यकर्ताओं ने बहुत से धमाल किया है, कमाल किया है समाजवादी कार्यकर्ताओं ने, उस पर भी थोड़ा सा सवाल करेंगे आपसे। ब्रेक के लिए हमको रुकना पड़ रहा है, छोटा सा ब्रेक, लेकिन जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ है वो जनता के लिए ना पैदा हुआ हो, और ये समझना जनता के लिए है क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा विकट होती जा रही है। कन्फ्यूज और कन्फ्यूजन दोनों चीजें ऐसी हैं कि जो जनता को एकदम से समझने के लिए मजबूर कर रही हैं कि क्या किया जाए, किस तरीके से जनता समझे। थोड़ा सा मामला शांत होता है, शिवपाल सिंह यादव आज नामांकन करते हैं अपना, और उस दौरान एक नई तरह की भाषा वो बोल जाते हैं, फिर से सवाल गर्म हो जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक बन रही है। घर से अकेले निकलना मुश्किल है, हमारी सेफ्टी की तो किसी को फिक्र ही नहीं रही इन 5 साल में, पर इस बार मेरा वोट है सिर्फ बहन जी के साथ। न भय, न अपराध, न अत्याचार, इस बार बनाए उत्तर प्रदेश में BSP की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की सरकार। दोबारा दादी बनने का तो बड़ा शौक है, पर माँ की सेहत अच्छी होगी तभी तो बच्चे स्वस्थ होंगे और अपनी दादी की गोद में शरारत करेंगे। बच्चों में 3 साल का अंतर रखेंगे और जी भर के शरारत करने का मौका देंगे, जिम्मेदारी निभाएंगे, यही है हमारा प्लान। माँ और बच्चों की सेहत प्लान, बच्चों में 3 साल का अंतर रखिए तो बनेगा एक खुशहाल परिवार, जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए। पनीर बोला इंडिश मसाले जायका इंडिया, ये खुशबू सुबह में है, ये खुशबू हवा में है, ये खुशबू चल रही है सबको साथ लेकर, तिरंगा अगरबत्ती देश की खुशबू। कप्स गैस बदहजमी करे दूर, कैस्टोफीन टैबलेट व चूर्ण कप्स पकाए आराम पहुँचाए, कैस्टोफीन टैबलेट व चूर्ण। अशोक मीट मसाला, मसालों की दुनिया में ये बेमिसाल बेजोड़, थोड़े में ज्यादा स्वाद जगाए, शुद्धता का जोर अशोक मसाले। तो लड़ाई अभी बाकी है, एक दौर हुआ करता था इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ करता था और एक स्वच्छ छवि और साफ सुथरी राजनीति के तहत जनता के बीच में जाकर वोट मांगे जाते थे। लेकिन आज के दौर में एकाएक हम ये लोग देख रहे हैं, जितना ज्यादा तकनीकी दौर से हम जुड़ रहे हैं, भ्रमित करने का दौर ज्यादा चल रहा है। अमिताभ जी के पास हम जा रहे हैं और इस सवाल का जवाब उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अमिताभ जी, आज आदमी को कन्फ्यूज करने का काम वाकई में कर रहे हैं, एक प्लानिंग के तहत राजनीतिक दल कर रहे हैं। पहले दौर में तो ये था कि साफ छवि होती थी और जाते थे तो वोट मिलने की उम्मीद भी होता था, लेकिन इस बार मुद्दों को भटका दिया जाता है, कभी इधर कभी उधर, कभी वहां से बयानबाजी हो रही है, कभी उससे उस पर बयान दे दिया कि जनता कंफ्यूज ही रहे, समझ ना पाए असल लड़ाई है क्या, ये दौर में हो रहा है। पंकज ये भी बात ठीक है, और वैसे अगर इस बार समाजवादी पार्टी के भीतर का संघर्ष देखे ना तो उस संघर्ष के जो पात्र हैं ना वो भी कंफ्यूज थे और आज भी कंफ्यूज हैं। मेरी तमाम लोगों से बात होती थी जो उसके किरदार रहे युद्ध के, अगला कदम क्या होगा प्रतिपक्षी का किसी को अंदाज नहीं होता था, कौन कब क्या बम फोड़ देगा, तो इसलिए कंफ्यूजन तो रहेगा। जैन साहब, आज जो बात शिवपाल जी ने कही कि 11 के बाद, 11 मार्च के बाद मैं पार्टी बनाऊंगा, इसके दो मायने मेरे जैसे कम बुद्धि वाले लोग निकालते हैं। इसी पार्टी को फिर से बनाएंगे या नई पार्टी बनाएंगे, आपको क्या समझ आता है क्या उनका इंटेंशन रहा होगा?
अमिताभ जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े भाई हैं, और मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि 11 मार्च को काउंटिंग हो जाएगी और काउंटिंग के बाद में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की जब सरकार बनाएगी तो बहुमत की सरकार में हर कोई आना चाहेगा। हमें नहीं लगता उसके बाद कोई कहीं पे जाना चाहेगा। तो जब कोई कहीं जाना ही नहीं चाहेगा, पूर्ण बहुमत की सरकार होगी तो नई पार्टी, पुरानी पार्टी और पुराने गिले सकले, और हमें लगता है कुछ रह नहीं जाएगा। मंत्री जी ने कहा मंत्री बनाएंगे नहीं। जी जी नहीं, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी है के बाद में, और कहां बैठेंगे? जो चीज अभी आप जो अभी जाए तो बैठेंगे कहां? जी जी संगठन में रहेंगे, पार्टी में रहेंगे, और उनको जो जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो चाहेंगे बड़ी से बड़ी उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, और पार्टी को यहां तक लाने में उनका भी योगदान है, उनका कहीं पे योगदान कम नहीं है, उनके कद को कहीं पे कम नहीं किया गया। अब एक तरफ तो माननीय शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, फिर 11 मार्च के बाद में अगर कुछ ऐसी घोषणा करते हैं ना, ना, लेकिन तू कह रहे हैं कि मेरा देखा जाए क्या होगा, किया गया 12,000 का काम नहीं करने दिया गया, और मेरे ऊपर बड़ी कृपा की गई कि मुझे एक अदद टिकट दे दिया गया। नहीं नहीं, देखिए अमिताभ जी की हर समय की परिस्थितियां अलग होती हैं। आप देखिए जिस समय वो प्रदेश अध्यक्ष बने उस समय परिस्थितियां अलग हुई, इसके पहले जब वो कैबिनेट मिनिस्टर थे कई सारे विभाग उनके पास थे तब परिस्थितियां अलग थी, और अब जबकि चुनाव का समय है इस समय की परिस्थितियां अलग है, और 11 मार्च के बाद की परिस्थितियां अलग होंगी। ठीक है, लेकिन 11 मार्च के बाद में हमें नहीं लगता है कहीं की कोई पार्टी से कोई जाने वाला है, और जो चीज मुख्यमंत्री जी ने कही, मैं उसको कहूंगा कि जो चीज मुख्यमंत्री जी ने कही सबसे ज्यादा अगर कोई तो माननीय क्या कांग्रेस को कभी ये लगता है समाजवादी पार्टी के आंतरिक संघर्ष को देखकर आशीर्वाद हमें प्राप्त है कि हम यार गलत जगह तो नहीं फंस गए? पांडे जी, जी नहीं नहीं अमिताभ जी, गलत जगह पे हम लोग नहीं फंसे हैं, और कोई फंसने और फंसाने जैसी बात भी नहीं है। ये इनके परिवार का अंदरूनी झगड़ा काफी लंबे समय से चल रहा है, और जैसा आप इनसे सवाल कर रहे थे कि शिवपाल जी जाएंगे कहां, तो शिवपाल जी को अखिलेश मंत्री क्यों नहीं बनाएंगे, एक सवाल ये भी है। इसलिए उनको बढ़िया ऑफिस विधानसभा में, बढ़िया रेजिडेंस उनको अखिलेश यादव जी जरूर देंगे, या हम उनके पार्टनर हैं, मेरा मानना है कि शिवपाल जी का सम्मान समाजवादी पार्टी में बराबर रहेगा। और शिवपाल जी के इन बयान का 11 तारीख को मुझे लग रहा था, केसी जैन साहब से आप पूछ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि शिवपाल जी इसी पार्टी को नए सिरे से और रिनोवेटेड करते हुए ढंग से इसको और बढ़ाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा था। नई पार्टी बनाने से उनका संकेत यही था, केसी जैन साहब को बात बतानी चाहिए थी, मुझे ऐसा लग रहा है। अमिताभ जी, चल लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। अमिताभ जी, जैन साहब तो जवाब नहीं दे पाए लेकिन पांडे जी ने जवाब दे दिया, इसी को कहते हैं सियासी दोस्ती। नहीं, हमने बताया हमने बताया कि उनका पूरा सम्मान होगा, ठीक है, पार्टी और बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी, इस पार्टी के प्रवक्ता है, ठीक है, उनको कहना भी चाहिए। ठीक पांडे जी, पांडे और जैन साहब, ये बात हम भी जानते हैं, ये बात आप भी जानते हो, ये बात आपके पूर्ववर्ती चाचा भी जानते हैं कि अब मिलने मिलाने का वक्त गया। वो तुलसीदास ने लिखा है ना जैन साहब, लिखा न विधि वै देह विवाहु
तजहु आस निज ग्रह ग्रह जाऊ, तो अब तो वो समझ गए विवाहो। इसीलिए आप देख लीजिए समाजवादी पार्टी के जो पुराने जिलों में मठाधीश थे वो निर्दलीय पर्चा भर रहे हैं, बसपा से लड़ रहे हैं टिकट पर, या लोकदल की टिकट पर, या अजीत सिंह की टिकट पर, लेकिन मैदान में सब हैं आपको हराने के लिए। जैन साहब, दिलीप श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी पर दोनों पक्ष पार्टी रहे, ये बात सिर्फ समाजवादी पार्टी ने कहा कि दूसरा पक्ष भाजपा का एजेंट, दूसरे पक्ष को बगावत है, पहला पक्ष भाजपा का है, बाहर के लोगों ने बताओ पार्टी के लोगों ने कि असली में भाजपा जो उनके लोग हैं वो बगावत, भाजपा का इंस्ट्रूमेंट कौन है? अरे जैन साहब इनसे पूछ लेना सीधे सीधे, दिलीप श्रीवास्तव भाजपा का औजार कौन है इन दोनों में से? जी जी अमिताभ जी, मैं पहले भी आपको स्पष्ट कर चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस बसपा तीनों दलों की राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी को रोकने में लगती है। ये हमेशा जो भी इनके परिवार में झगड़ा होगा, अगर गायत्री प्रजापति ने भ्रष्टाचार किया, कानून व्यवस्था ध्वस्त रही, तो क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार रही? ये तो लगातार हमेशा बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी हमारे परिवार में तोड़फोड़ करा रही है, भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है। इन सारे कोई मुद्दा ही नहीं, ये मुद्दा सिर्फ इनका ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट बैंक का ध्रुवीकरण करके अपने पक्ष में लामबंद करने का ये तीनों दल लगातार प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वजूद नहीं है, मृतप्राय संगठन है, वो तो तैयार बैठी है कि किसी तरह अखिलेश जी के सहारे पे अखिलेश जी 2009 में आए ज्यादा मेंबर आप पार्टी पूरा तो चाहिए संगठन आप बताइए ना कि आप जीतने वाली भारी अंकों में अपने रही है। बिल्कुल है, तभी तो आप जो है जोशी आप बताए ठीक है पांडे जी, लोकसभा के इस विधानसभा के पांडे जी समझ नहीं आ रहा है, सुनिए दीजिए थोड़ा सा, उसके बाद आपके पास आएंगे। जनता को धोखा देने का नहीं जाने दूंगा, उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा देने का काम किया है आपने, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ ठगी करने का आपने काम किया है। 27 साल यूपी बिहार का नारा देने के बाद उस सपा सरकार को कटघरे में खड़ा करने के बाद आप उनके जो मुद्दे हैं मूल मुद्दों के जवाब दीजिए कि आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी आपको कि गठबंधन करने की? अगर आपको आप बताइए प्रदेश में अपना दल खबर आपने यहाँ लोकदल से किया, आपने मानवता पार्टी से किया, उस समय सपा पार्टी से किया, उस समय मुद्दे बड़ी आज आए ग्रह में मुद्दे क्या हंसरे की आग पे नहीं बताइएगा ना आप एक एक करके बोलिएगा भाई दोनों रुकिए केसी जैन साहब, ये संगठन आपका एक बड़ी अच्छी बात मेरे जहन में आई जी। भाजपा ने एक बार नारा दिया था नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में, इस वक्त मैं एक नया नारा दे रहा हूं जो मुझे दिख रहा है, नेताजी के सम्मान में बसपा मैदान में। जितने लोग ये कह रहे हैं कि नेताजी का अपमान हो रहा है वो ज्यादातर हाथी पे सवार हो रहे हैं, ये क्या मंजर है? अंबिका चौधरी, नारद राय, सदा फातिमा, तमाम नाम है, यानी नेताजी के सम्मान की चिंता बसपा को है, आपको नहीं है? बताओ, राम राम राम। नहीं नहीं देखिए देखिए अमिताभ जी कि राजनीति में सबका कहीं ना कहीं अपना व्यक्तिगत स्वार्थ होता है और राजनीति में पैर रखने के बाद में कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता है। आप ठीक है, आपने समाजवादी पार्टी के जो दो तीन चार लोग गए उनका आपने जिक्र किया, लेकिन अगर बसपा सम्मान में तो यही बसपा से स्वामी प्रसाद मौर्य हो,
चाहे पाठक हो, ये ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस से रीता बुआ जोशी जाकर के भाजपा में शामिल हुई, भाजपा से तमाम सारे लोग समाजवादी पार्टी में, तमाम सारे लोग कांग्रेस में गए, और जिनको टिकट नहीं मिला वो लोग प्रदेश अध्यक्ष जी का पुतला फूंक रहे भाजपा की। साथ ही साथ भाजपा ने भी क्या किया, बाहर से आए हुए लोगों को, दल बदलू लोगों को जहां तक टिकट देने का काम किया। तो ये तो राजनीतिक कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ है ये, और जो कैंडिडेट होता है जिसने अपना जीवन राजनीति में लगाया वो ये करता है, वो अलग बात है। लेकिन जो इस समय के समीकरण है, और आपने जो बात कही थी उसका जवाब अधूरा रह गया था कि कांग्रेस को लोग समाजवादी पार्टी के लोग क्यों वोट देंगे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को कांग्रेस के लोग क्यों वोट देंगे। इसका एग्जाम्पल लोकसभा चुनाव में दो सीटों पे समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पे अपनी सीटें नहीं उतारी थी, अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, और कांग्रेस ने दो सीटों पे समाजवादी पार्टी जहां लड़ रही थी वहां पे प्रत्याशी नहीं उतारे। दोनों का परिणाम क्या हुआ, राहुल गांधी जी लोकसभा पहुंचे, सोनिया गांधी जी लोकसभा पहुंची, वैसे ही नेताजी लोकसभा पहुंचे, उन्होंने भी दो जगह पर लड़ाई। तो ये जब इस तरीके का गठबंधन होता है तो जो वोटर है वोटर समझता है कि नेतृत्व कौन करेगा, इसीलिए जो नेतृत्व कौन करेगा, नेतृत्व कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी, जन नायक बनकर के उभरे हैं। इस प्रकार से जनता नारायण जी के आंदोलन से राहुल जन नायक कहा गया, राहुल गांधी और सामान्य विधायक के चुनाव में जमीन और आसमान का अंतर होता है यादव जी में, और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा पूरा की पूरा जी। अच्छा है, लड़िए चुनाव। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको रुकना पड़ रहा है। लड़ाई भी बाकी है, और असल लड़ाई तो वाकई में बाकी है, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में जनता फैसला करती है। जनता जहां बटन दबाएगी उसी की जीत होगी, यहां पर हार नहीं होती है, जनता की जीत ही होती है। पैनल हमारे साथ बना हुआ है, अमिताभ जी के पास हम जा रहे हैं सीधे तौर पर। अमिताभ जी, जिस तरीके से ये लड़ाई चल रही है और जो हमारे पैनल में भी लड़ाई चल रही है, तुमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, क्या जनता समझ पा रही है इसको? कई कन्फ्यूजन के चक्कर में कांग्रेस का बटन ना दबाकर, समाजवादी पार्टी का बटन ना दबाकर तीसरा बटन दब गया, तब बीजेपी तो गदगद होगी ना। देखिए, जनता सब चीजों को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करती है। भारत की जनता और पश्चिमी देशों की जनता में एक फर्क है। अमेरिका में जनता वोकल है, यूरोप में वोकल है, ब्रिटेन में वोकल है, भारत की जनता बोलती नहीं। 77 में नहीं बोली, 80 में इंदिरा जी को वापस लाई तब नहीं बोली, 12 में जो लोग प्रचार में घूम रहे थे वो भी अंदाज नहीं कर पा रहे थे कि हिस्ट्री बुरी तरह से बसपा हारेगी और सपा फुल मेजोरिटी से आएगी। लेकिन यहां की जनता, एक बार जयप्रकाश जी ने इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा था जेपी ने कि इंदिरा जी बिहार के संदर्भ में लिखा था कि बिहार की जनता अशिक्षित तो हो सकती है लेकिन विवेकहीन नहीं है। वैसे ही बात वो है, उत्तर प्रदेश के लिए कहूंगा, सारे देश के लिए कहूंगा। इतना संघर्ष, जैन साहब पिछले 25 साल से उदाहरण दे रहा हूं, मान लो किसी मोहल्ले में 100 वोटर थे सपा के, मुलायम सिंह यादव के, ठीक। अब उसमें शिवपाल जी का आदमी अलग ताल ठोकेगा, आपका अलग ठोकेगा, तो उसमें वोट बटेगा कि नहीं बटेगा? क्योंकि आदमी तो दोनों सपैये हैं, पहचाने हुए चेहरे हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए आप जो चीज आप कह रहे हैं उसको मैं समझ रहा हूं और उसी पे मैं अपनी बात भी रख रहा हूं। बिल्कुल आप जो चीज कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन होता क्या है कि जहां कुछ जगहों पे है ऐसा कि कोई, और ये अगर शिवपाल जी की तरफ से वो ना खड़े हो या नेताजी की तरफ से ना खड़े हो या निर्दलीय ना खड़े हो, तब भी वो अगर वो पार्टी में रहते तो ये लोग अगर कहीं, हमको लगता है कहीं ज्यादा नुकसान करते, क्योंकि तब वो भीतर याद करते। अब वो मैदान में हैं तो कम से कम पता चल रहा है कि ये बगावत कर रहे हैं, ये बाहर के हैं
तो समाजवादी पार्टी के पार्टी का वो प्रत्याशी जो उनके भरोसे बैठा था कि हमको वोट दिलाएंगे और हमको जहां जहां ले जाएंगे हमको फायदा कराएंगे, ये स्थिति तो नहीं होगी। तो उसको ये पता है कि भाई ये अलग है हमसे, अब अपना अलग लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं और हम अपना अलग लड़ रहे हैं। साथ ही साथ ये दूसरी चीज ये है कि जो आपने आंकड़ा दिया कि 100 वोटर है, 10 उनके चले गए, 20 उनके गए, तब भी आपके पास 80 बचे 100 में से, लेकिन हमारे पास जो जब हमारा गठबंधन हुआ है तो हमारे जो दूसरे साथी के वोट है वो भी तो उनको मिल रहे हैं, और इसीलिए मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था 200 सीटों का। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों इस गठबंधन के बाद में एक बड़े फायदे में है, और इसीलिए सरकार ने एक मन बना लिया है कि इस बार चुकी जो बात हो रही है चुनाव पे विधानसभा के स्तर पर और विकास में सीट बाई सीट दर सीट और हम विकास संघर्ष का कुछ निगेटिव असर पड़ेगा गठबंधन पर? के पांडे, नहीं, निगेटिव असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि जनता यानी मतदाता नेता से ज्यादा समझदार और चालाक हो गए हैं, वह हमसे ज्यादा समीक्षा करते हैं और उनकी समीक्षा यह होगी कि यह फला आदमी वोट काटने के लिए कहीं इस गठबंधन को हराने के लिए तो नहीं मैदान में आया है। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है मतदाता एक तरह से इस गठबंधन को वोट करेंगे, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, चाहे श्रीपाल यादव जी का बयान आता रहे या अंबिका चौधरी और दूसरे दल में चले करने का काम, बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ कि कहीं वो हमारा नाम कटेगा और ठगी करने का आपने कार्य किया है। अरे ठगी किसने किया है? जनता खड़े गुस्सा नहीं चाहिए, ठीक है जैन साहब, पांडे जी ठीक है, समय नहीं है हमारे पास, रोक रहे आप सभी को, हम अमिताभ जी के पास जा रहे हैं संपादकीय टिप्पणी के लिए। अमिताभ जी, जिस तरह की बहस और इस बहस में पांडे जी आगे बात ठीक है, इस बहस में जिस तरह के तथ्य राजनीतिक दलों के नुमाइंदों ने रखे हैं, किस तरीके से संपादकीय टिप्पणी में आप बोलिएगा, समझिएगा, समझाइएगा कि क्या होने वाला है। शिवपाल सिंह यादव को लेकर भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जो गठबंधन हुआ, उस गठबंधन के बीच जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बटा है उसको लेकर भी, और बीजेपी को कहां लग रहा है कि इस खेल में बीजेपी को कहीं फायदा हो सकता है, संपादकीय टिप्पणी। जी देखिए, याद होगा हमारे सारे मित्रों को, भारतीय जनता पार्टी से कल्याण सिंह ने जब बगावत की और कल्याण सिंह के उम्मीदवार उनको आप पार्टी का मानो चाहे निर्दलीय मानो, राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी नई नई बनी थी, पार्टी को भी कोई नहीं जानता था जी, उनके उम्मीदवारों ने जीत तो नहीं हासिल की लेकिन भाजपा को 72 सीट हरवा दी, गिन के 72, 70 और 2 72 हरवा दी, गिन के आंकड़ा जाके देखिएगा। जहां कल्याण सिंह के आदमी ने 2000 वोट पाया वहां 1800 से भाजपा हार गई, कहीं कल्याण सिंह के आदमी ने 1100 पाया तो 1000 से भाजपा हार गई। वोट तो वही था ना, जो भाजपा का वोटर था वही कल्याण सिंह का वोटर था। कल्याण सिंह बहुत डिवीजन नहीं करा पाए लेकिन 10% डिवीजन करा के हरवा दी 72 सीटें। मैं जिस ओर इशारा कर रहा था, मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी का फादर लाइक फिगर, एटा में, इटावा में, फर्रुखाबाद में, झांसी में, आजमगढ़ में, मऊ में, बलिया में, पडरौना में, कोई केसी जैन को तो नहीं समझ रहा, कोई अनुराग भदौरिया को तो नहीं जान रहा, कोई नावे सिद्दीकी को तो नहीं जान रहा, वो तो मुलायम सिंह को जानते हैं ना, सपा मतलब मुलायम सिंह। कुछ जगहों पर शिवपाल यादव भी चेहरा रहे होंगे इतने वर्षों में, कई रामगोपाल जी रहे होंगे और अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे तो वो एक बड़ा चेहरा स्वाभाविक है। अब वही चंक आपके पास है समाजवादी परिवार का, जिसमें 10 वोट अगर हैं तो 5 वोट न सही, 2 वोट तो खराब होता है इस संघर्ष में। वाकई और समाजवादी पार्टी को इस बात पर चिंतन करना चाहिए
कि अगर आपके गठबंधन के बाद भी आपकी पार्टी के मजबूत लोग निर्दलीय पर्चा भर रहे हैं तो ये गठबंधन के लिए अच्छा नहीं होगा। और दूसरी समस्या जो मैं देख रहा हूं जैन साहब और कांग्रेस से भी कहूंगा, इन मैच्योरिटी दिख रही है स्ट्रेटजी के पार्ट पर। सीटें डिफाइन होनी चाहिए थी अलायंस वाले पहले दिन, कौन कहां से किसको कौन सी सीट दी जाएगी। आपने नंबर डिफाइन किया, सीटें नहीं डिफाइन की, इसलिए कहीं रविदास मल्होत्रा वर्सेस कांग्रेस कैंडिडेट हो रहा है, कहीं पूनिया साहब का बेटा वर्सेस सपा कैंडिडेट लड़ाई हो रही है और हंगामा मचा हुआ है इलाके इलाके। नहीं मचा हुआ है क्या? क्या इस स्थिति को टाला नहीं जा सकता था? क्या इससे पहले गठबंधन नहीं हुए इस देश में? इलाके डिफाइन हो जाते हैं, सीटें डिफाइन हो जाती हैं। आपने कहा पहले शीर्ष स्तर पर एकता हो जाए, बाकी अपने आप निपट सुलझ लेंगे। मेरा मानना है, हो सकता मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन मेरा मानना है आज की तारीख में जमीन पर केमिस्ट्री बनना बहुत जरूरी होता है दो पार्टियों के कार्यकर्ताओं के मध्य। नेताओं में तो केमिस्ट्री बहुत जल्दी बन जाती है जैन साहब पांडे जी, लेकिन कार्यकर्ताओं में केमिस्ट्री बनने में थोड़ा वक्त लगता है। वो वक्त है क्या? अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 तारीख को वोट पड़ेगा, क्या उतना समय है कि आप केमिस्ट्री मैच कराएं? और उस पर भी आज कानपुर में देखिए जाके, तीन सीटें ऐसी हैं जहां दोनों ने पर्चे भर दिए, समाजवादी पार्टी ने भी और कांग्रेस ने भी। ऐसी परिस्थिति में क्या मैसेज जाएगा? शिवपाल यादव पार्टी बनाएंगे नहीं बनाएंगे अलहदा सवाल है, लेकिन उससे बड़ा सवाल तो यह है कि आप और कांग्रेस के बीच में भी तो ग्राउंड जीरो पर युद्ध के मैदान में एक रूपता नहीं दिख पा रही ना। अखिलेश जी राहुल जी में एक रूपता हो जाए उससे जमीनी सच्चाइयां नहीं बदलेंगी ना। वो बड़े लोग हैं, समझदार लोग हैं, हो गई है अलायंस ठीक है, लेकिन बलिया में, पडरौना में, कुशीनगर में, बिंदकी में, बबेरू में भी तो एकता चाहिए। वहां पर कांग्रेस और सपा के बीच में मुझे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं दिखाई दे रहे, जो भरोसा पैदा करे, वैसी कोशिशें नहीं दिखाई दे रही। ये किसी भी गठबंधन के लिए अच्छा नहीं होता जी। कि कोई भी गठबंधन अगर सफल होगा तो उसकी पहली शर्त होगी, बसपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था जैन साहब को याद होगा 96 में, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, नरसिंह राव के समय कांग्रेस और बसपा के लोग जमीन पर केमिस्ट्री नहीं मैच कर पाए, पूरा गठबंधन जमीन पर गिरा था ना। काशीराम जी और नरसिंह राव जी के बीच में तो केमिस्ट्री बन गई थी, लेकिन कार्यकर्ता के स्तर पर भी केमिस्ट्री बननी चाहिए। मैं सिर्फ यह निवेदन कर रहा हूं, ये कोहरा छाटिए, ये धुंध हटाइए जैन साहब पांडे जी, तब इस गठबंधन का चुनाव की रणभूमि में लाभ होगा। जितने समय धुंध में बीतेगा उतना नुकसान। बहुत बहुत धन्यवाद किसी जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। के पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दिलीप श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए।